हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे काने कोर्सो और डोगो अर्जेंटिनो के बीच में, क्योंकि कई लोगों को इन दोनों ही डॉग ब्रीड में डाउट रहता है। क्योंकि जो बंदे डॉग लेना चाह रहे होंगे या फिर सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अगर वो एक मैसिव टाइप की डॉग ब्रीड देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दोनों ही डॉग ब्रीड में से कौन सी डॉग ब्रीड ईजी टू ट्रेन है, तो यहाँ पे दोनों ही डॉग ब्रीड काफ़ी इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड होती है। ज़्यादा आपका टाइम नहीं मांगेगी अगर हम बात करते हैं ट्रेनिंग के मामले में, भले आप काने कोर्सो को ले लो या फिर आप डोगो अर्जेंटिनो को ले लो, दोनों ही डॉग इजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है। ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम नहीं करेगी अगर आप खुद से ट्रेनिंग देते हो तो भी, भले आप ट्रेनर हायर कर लो तो भी। लेकिन दोनों डॉग के लिए सोशलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी बाइट फोर्स काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। अगर हम बात करते हैं काने कोर्सो की बाइट फोर्स की, वो 700 PSI प्लस होती है, जो कि रॉटवाइलर से भी डबल बाइट फोर्स है कंपैरिजन के तौर पे, और डोगो अर्जेंटिनो की बाइट फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनके चलते ये डॉग ब्रीड अगर आप नॉर्मल रखते हो घर में या फिर आप वैसे रखते हो, तो आपको सोशलाइजेशन करानी चाहिए। क्योंकि अगर आप वॉक पे लेके जा रहे हो, खामखा आपका डॉग दूसरे डॉग के ऊपर अटैक करे, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, या फिर दूसरे लोगों के लिए एग्रेशन शो करे बिना वजह के। तो इसके चलते आपको अपने डॉग को ज़रूर से ज़रूर सोशलाइज करना चाहिए अर्ली एज से, जिसके चलते आपको भी बिल्कुल प्रॉब्लम ना आए, आप बेझिझक अपने डॉग को रख सको। हाँ, अब बात आती है कि दोनों डॉग में से कौन सी डॉग ब्रीड बच्चों के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर आपके घर में दूसरे एनिमल्स हैं, तो यहाँ पे आप रख सकते हो काने कोर्सो को और डोगो अर्जेंटिनो को। अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि दोनों पॉइंट में दोनों ही डॉग ब्रीड सूटेबल बता रहे हो, ऐसा क्यों? जहाँ पे अगर देखो, डॉग में अगर किसी में कमज़ोरी होगी, किसी चीज़ की कमी होगी, तो मैं उस कमज़ोरी को पॉइंट आउट करूँगा। लेकिन दोनों ही डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, और बेवजह फैमिली में छोटे बच्चों के लिए अटैक नहीं करेगा कोई सा भी डॉग ले लो आप। अगर आप उसे थोड़ी सी एक सुपरविजन के तौर पर रखोगे अपने आगे, तो बिल्कुल भी एग्रेशन शो नहीं करेगा। अगर खामखा बच्चा आँख नाक में मार दे या नाक में मार दे, तब डॉग में थोड़ा बहुत एग्रेशन आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। लेकिन काने कोर्सो टाइप की डॉग ब्रीड थोड़ी टाइप, एक मैं आपको बताऊँ, लीजी टाइप की डॉग ब्रीड हो जाती है। अगर वो एक्सरसाइज करना पसंद करेगी, एक्सरसाइज करने के बाद वो घर पे फ्री टाइम पे सोना पसंद करेगी। वहीं पर डोगो अर्जेंटिनो थोड़ी सी ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड है, वो उछल कूद ज़्यादा मचा के रखेगी। अगर आप उस छोटे अपार्टमेंट में रखोगे, आप भी परेशान होगे, साथ में आपका डॉग भी परेशान होगा। तो अगर आपका घर छोटा है या फिर आपका अपार्टमेंट में रहते हो, तो डोगो अर्जेंटिनो आपके लिए सूटेबल नहीं है वहाँ पर। उस केस में वैसे तो काने कोर्सो भी सूटेबल नहीं है, लेकिन आप काने कोर्सो को एक बार दो टाइम की वॉक करा के घर में ईजिली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जैसे मॉनसून का सीज़न होता है, इस मौसम में आप अपने डॉग को बाहर नहीं ले जा सकते, तो आप घर में ही एक्सरसाइज करवा सकते हो, उसे स्टेयर पे अप डाउन करा सकते हो। और वरना अगर आप इतनी महंगी डॉग ब्रीड ले रहे हो, तो आप एक ट्रेडमिल भी इजीली अफोर्ड कर सकते हो, तो आप एक ट्रेडमिल भी रख सकते हो घर पर, डॉग ट्रेडमिल जो होता है, जिस पर आपका डॉग रनिंग करके अपनी एनर्जी बर्न कर ले। तो इसके चलते भी आप अपने डॉग को ईजिली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं दोनों ही डॉग में से कौन सी डॉग ब्रीड गार्डिंग के मामले में बेस्ट रहेगी, तो यहाँ पे दोनों ही डॉग, भले हम ले लें काने कोर्सो को या फिर ले लें डोगो अर्जेंटिनो को, दोनों ही डॉग बखूबी गार्डिंग करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डोगो अर्जेंटिनो को लोग ज़्यादा एक्टिव समझते हैं, वो एक्टिव है भी, लेकिन काने कोर्सो लेजी टाइप की डॉग ब्रीड मैंने आप लोगों को बताया, वो फ्री टाइम में सोना पसंद करते हैं, लेकिन रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और बहुत अच्छे तरीके से गार्डिंग करती है। अगर आपकी जगह ऐसी है कि आपको एक प्रॉपर हार्डकोर कार डॉग चाहिए, तो आप वहाँ पे भले आप डोगो अर्जेंटिनो ले लो या फिर आप काने कोर्सो ले लो, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी 1% की भी। आपकी गार्डिंग प्रॉपर कर देगा, अगर आपका फार्म हाउस है वहाँ की, अगर आपके घर के लिए चाहिए तो वहाँ की भी प्रॉपर गार्डिंग कर देंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी गार्डिंग के रिगार्डिंग। भले आप बच्चों को घर में अकेला छोड़ के जा सकते हो, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके घर में दोनों में से कोई भी डॉग ब्रीड है, ये इतनी अच्छी डॉग ब्रीड है कि इनकी ना कमी निकाली नहीं जा सकती, अगर मैं कमी निकालने की बात करता हूँ तो। लेकिन हेल्थ इशू के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड थोड़े बहुत इनमें हेल्थ इशू आते हैं, हिप डिस्प्लेशिया, एल्बो डिस्प्लेशिया, स्किन प्रॉब्लम्स। अगर आप ईयर क्रॉपिंग कराते हो, तो ईयर क्रॉपिंग के बाद इनमें प्रॉब्लम आ सकती है कई केसेस के अंदर। डोगो अर्जेंटिनो के अंदर डेफनेस की प्रॉब्लम आ सकती है वाइट पिगमेंट के चलते, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है अगर मैं आप लोगों को बताऊं। और डोगो अर्जेंटिनो आपको खाली वाइट कलर में ही मिलता है, कई बार ब्लैक पैचेस मिल जाते हैं, लेकिन मोस्टली वाइट कलर में ही मिलेगा। जबकि हम बात करते हैं काने कोर्सो, आपको कई कलर वैराइटीज़ में मिल जाता है, और कंपेरेटिवली उनके अंदर आपको डेफनेस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। दोनों डॉग का लाइफ स्पैन अगर हम बात करते हैं, तो 10 से 12 साल का होता है। तो अगर आप लोग एक लंबे टाइप के, जो आपके समय लंबे समय तक रह सके, उस टाइप की डॉग ब्रीड देख रहे हो, तो ये दोनों डॉग ब्रीड उस केस में आपके लिए सूटेबल नहीं रहेंगी, क्योंकि इनका लाइफ स्पैन कम होता है, जिसके चलते इनमें एज बढ़ने के साथ इनमें हेल्थ इशू आपको देखने को मिल जाएंगे।
अदरवाइज ये दोनों डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह हेल्दी टाइप की डॉग ब्रीड होती है। अगर आप एक अच्छी जगह से लोगे तो आपको हेल्थ इशू कंपेरेटिवली कम देखने को मिल सकते हैं। बाकी ये दोनों डॉग ब्रीड गार्डिंग के मामले में बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको एक ही डॉग रखना है गार्डिंग के मामले में, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप डोगो अर्जेंटिनो की तरफ चल जाओ, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक डॉग ब्रीड है और काफ़ी ज़्यादा रनिंग पसंद करता है। वहीं पे अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होता आपको गार्डिंग पर्पज़ से नीचे, आपको खाली ऐसा डॉग चाहिए जो आपके साथ घर में टाइम स्पेंड कर सके थोड़ा ज़्यादा और आपके साथ वॉक पे चले जाए, ज़्यादा भाग दौड़ी ना करे, तो आप काने कोर्सो की तरफ जा सकते हो। ऐसा नहीं है काने कोर्सो रनिंग नहीं करता या कुछ और नहीं कर सकता, काने कोर्सो अपनी जगह कर सकता है, लेकिन जो डोगो अर्जेंटिनो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रनर है कंपेरेटिवली काने कोर्सो के। तो इसके चलते मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ आप डोगो अर्जेंटिनो की तरफ जा सकते हो। अगर आपको एक हार्ड कोर गार्डिंग डॉग ब्रीड चाहिए, फैमिली प्लस गार्ड डॉग ब्रीड, तो आप दोनों में से किसी की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर गार्ड डॉग ब्रीड चाहिए तो डोगो अर्जेंटिनो आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं दोनों में से कौन सी डॉग ब्रीड को आप इजीली हॉट क्लाइमेट में रख सकते हो। देखो दोनों डॉग ब्रीड को आप इजीली रख सकते हो, दोनों डॉग ब्रीड में आपको मेंटेनेंस काफ़ी कम है। अगर हम बात करते हैं कि ग्रूमिंग आप इजीली घर पे कर सकते हो, आपको एक ग्रूमर हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इनकी ग्रूमिंग में भी काफ़ी कम टाइम लगता है। वंस अ वीक अगर आप होम करोगे तो भी काम चल जाएगा इनका शॉर्ट कट होने के चलते। बाकी इनमें आपको मॉनसून के टाइम या वैसे आपको थोड़ी बहुत फंगल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है दोनों डॉग ब्रीड में। मोस्टली ये चीज़ हर एक डॉग ब्रीड में कॉमन हो जाती है कि फंगल इन्फेक्शन अगर आप ध्यान से रखते हो कि बारिश में ज़्यादा भीग नहीं देना है और अपने डॉग को सुखा के रखते हो, तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। बाकी दोनों ही डॉग ब्रीड अपनी अपनी जगह बेस्ट हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि आपको एक ही डॉग ब्रीड की तरफ जाना है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो और फिर आप उस डॉग ब्रीड की तरफ जा सकते हो। इनके प्राइस की बात कर लेते हैं, जो डोगो अर्जेंटिनो का प्राइस होता है वो आपका 30-40,000 से स्टार्ट हो जाता है। वहीं पे आपका जो काने कोर्सो होता है इसका प्राइस 50,000 प्लस से स्टार्ट होता है अगर हम एक अच्छी क्वालिटी के पपी की बात करते हैं तो। बाकी आपको डोगो अर्जेंटिनो कई बार कम प्राइस में भी मिल जाएंगे और काने कोर्सो भी, लेकिन उनकी क्वालिटी का फिर पता नहीं होता कि किस क्वालिटी में जा सकते हैं किस क्वालिटी में नहीं जा सकते वो पीस, तो ये चीज़ मैटर कर जाती है। अगर आप एक प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का डॉग देख रहे हो तो ये आपको इसी प्राइस रेंज का पड़ेंगे और इनसे ऊपर भी जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है एंड लिमिट, आप इस चीज़ को भी ध्यान रखना। बाकी अगर आप ठंड में रखते हो अपने डॉग को, जैसे कि आप हिमाचल साइड में रहते हो, तो वहाँ पे आपको अपने डॉग को कपड़े पहनाने पड़ेंगे क्योंकि इन्हें ठंड लगने के चांसेस थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि इनका शॉर्ट कोट होने के चलते, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी आप नेचुरल लुक की बात करते हैं तो आप दोनों डॉग को नेचुरली लुक में रख सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग प्रीफर क्या करते हैं, वो ईयर क्रॉपिंग और टेल लॉकिंग का प्रीफर करते हैं, तो वो आपको कान कोर्सों में कराना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईयर क्रॉपिंग, तो कई बंदे डोगो अर्जेंटिनो की भी ईयर क्रॉपिंग कराते हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी प्रेफरेंस क्या है। अगर आप नेचुरल रुख में रखना चाहते हो तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है, लेकिन अगर आप ये सब करवाना चाहते हो तो आपको एडिशनल कॉस्ट लगती है उसमें। तो आप लोग बताना कि आपके हिसाब से कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए ज़्यादा सूटेबल बैठी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद दोस्तों।